अज़ीज़ों, मेरी तरफ से आप सबको मसीह यसु में बहुत सा सलाम। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से 19 जबूर। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका जलाल खुदा की इंतहा तक पहुंचता है। उसने आफ्ताब के लिए उन पर खैमा लगाया, जो दुल्हे की मानिंद अपने खिलबत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है, उसकी गश्त उसके किनारे तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुंचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन हैं। नीज उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तो मुझे पशीदा ऐबों से पाक कर, तो अपने बंदे को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल होऊंगा और बड़े गुनाह से बचा रहूंगा। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। दाऊद नबी ने खुदावंद की तारीफ़ करते हुए बयान करते हैं कि खुदावंद, तूने कायनात में जो कुछ बनाया वो सब तेरी दस्तगारी है। तूने सबसे पहले जब दुनिया को तख्लीक किया तो आसमान और ज़मीन को पैदा किया, क्योंकि जैसे पैदाइश की किताब में पढ़ते हैं, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। खुदा ने पानी को जुदा किया और पानी को समंदर कहा और खुश्की को ज़मीन, और ज़मीन पर हर तरह की बीजदार दरख्तों को उगाया और आसमान पर सूरज चांद सितारे बनाए। दिन और रात को जुदा किया, पानी में जानदार बनाए, ज़मीन की खुश्की पर जानदार बनाए, हवा में उड़ने वाले परिंदे बनाए और फिर खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबी की मानिंद बनाया। आसमान खुदा के जलाल को जाहिर करता है, फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। खुदावंद की ये तमाम दस्तकारियाँ उसकी दानिश और कामलियत को जाहिर करती हैं। जब आप खुदावंद की मोहब्बत को जान जाते हैं तो आप उसका खौफ और उसके कवानीन को भी पसंद करते हैं। आप उसकी मोहब्बत में अपने सताने वालों से भी प्यार करने लगते हैं और हर वक्त दुआ करने वाले बन जाते हैं। खुदावंद खुदा से कहते हैं, मेरी ख़ताओं को बख्श, क्योंकि इंसान अपने ऐब नहीं जानता। खुदावंद के लोग यही चाहते हैं कि वो खुदावंद की खुशनुदी को हासिल करें, क्योंकि वो जानते हैं कि खुदावंद खुदा ही जो है मेरी चट्टान और मेरा फिदिया देने वाला है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के वसीले से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।